ascending order, descending order, forward and backward numbers. So in that class we are talking about place value and banded, and also we are discuss standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे. तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए. प्लेस वैल्यू, पहले हम फेस वैल्यू की बात करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है. आप जानते हैं कि नंबर, जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. पहला कौन सा होता है, पहला होता है होल नंबर. ठीक है, होल नंबर. सेकेंड होता है ये. ठीक है, फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, ठीक है, और सेकेंड होता है होल नंबर. तो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर जाता है. ठीक है, अब होल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, बाकी ये नेचुरल नंबर इसमें रहता है. ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हीं नंबर्स से सारे नंबर्स मिलते हैं. ठीक है, ये इन्हीं डिजिट से को मिला के आपस में सारे नंबर्स का फॉर्मेशन होता है. हम साथ साथ चलेंगे नंबर्स फॉर्मेशन के बारे में. तो अब फेस वैल्यू क्या है, ये सारे वैल्यूज हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, मीन्स हम केवल यहाँ पर होल नंबर्स की बात करेंगे, नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूड है. ठीक है, तो होल नंबर्स जो जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है, ठीक है, ऐसे नंबर जब नंबर्स की वैल्यू फेस, मतलब इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू दोनों इक्वल होती है, तो उसे कहते हैं फेस वैल्यू. ठीक है, अब देखिए जीरो टू वन है, तो इसकी इंटरनल वैल्यू भी वन ही रहेगी. अब ये कोई डिजिट के रूप में लिखा नहीं है, ये ओनली डिजिट के रूप में है, नंबर्स के रूप में नहीं है. तो इसे हम, इसकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा. अब आप इसको कहीं पर भी पढ़ेंगे तो ये वन ही कहलाएगा, कुछ और पढ़ा नहीं जाएगा. चाहे आप इसे कहीं पर भी लेके जाओ, ये इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है. लेकिन जब इसके बगल में हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई. तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर्स पोजीशन, डिपेंड ऑन नंबर्स पोजीशन. इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पोजीशन. ठीक है, नंबर्स के पोजीशन पे वो डिपेंड करता है. अब देखिए नंबर्स के पोजीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, मैंने कहा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब आप क्लास में थे, लास्ट क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर्स होते हैं उनकी पोजीशन कैसे होती है, 1, 10, 100, 10,000 10 लाख, इस तरीके से चलता है. 1 की वैल्यू 1 से, 10 की वैल्यू 10, 100. अब मैं पोजीशन बता रहा हूँ कहाँ पे कौन सा पोजीशन होता है नंबर्स का. ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट करते थे. जब नंबर्स रहते थे, ये सिस्टम इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब ये 1 के पोजीशन पे, ये 10 के पोजीशन पे, ये 100 के पोजीशन पे, 10,000 के पोजीशन पे, 10 लाख के पोजीशन पे, लाख के पोजीशन पे, और ये 10 लाख के पोजीशन पे है. ठीक है, इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकालते हैं. तो ये क्या हो गया, प्लेस वैल्यू की, मतलब
उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर्स की जब वैल्यू निकाली जाती है तो वो कहलाती है फेस वैल्यू। जैसे एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल, ये 6775, तो ये फर्स्ट फाइव की अगर बात करें तो ये वन के पोजिशन के लिए वन हो गया है, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो वन की पोजिशन को वन इंटू वन इक्वल टू फाइव, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी फेस वैल्यू 5 है और फेस वैल्यू भी 5 ही है। अब ये देखिए यहाँ की फेस वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी फेस वैल्यू तो 6 है, लेकिन जब फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 6 × 10 = 16। यहाँ पे 700, यहाँ पे 5000। अब देखिए अगर हम फाइव इस फाइव की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 5 है, फेस वैल्यू कहा, फेस वैल्यू नो चेंज, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे है तभी इसकी फेस वैल्यू 5 ही है, बट अभी 5 पोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो इस 5 की पोजिशन यानी कि फेस वैल्यू कितना हो गया 5000, यहाँ पे 5 है तो इसकी फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर्स का फेस वैल्यू हमेशा चेंज रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म की और इस स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब जब किसी नंबर्स को हम क्या करते हैं, किसी नंबर को ब्रेक करके उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग राइट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। और जब उन्हें ऐड करके एक सिक्योर जगह पर रख देते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में राइट कर देते हैं, तो वो क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये अगर इसको इस तरीके से लिखे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, अब देखो इन सबको अगर ऐड करें तो 500 7 60 5, ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इन सबको आपस में ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5 7 6 5। ये आज की क्लास का वीडियो है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन ऑफ नंबर का मतलब ये हुआ, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको थोड़ा सा दूसरा टॉपिक बताऊँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप प्लेस में जो प्लेस में जो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन नंबर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, कुछ डिजिट दे दिए गए, ठीक है, कुछ डिजिट दे दिए गए, जैसे 2 3 5, ठीक है, ये 3 नंबर्स आपको दे दिए गए। अब आपसे बोला गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, ठीक है, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो सबसे शॉर्ट नंबर होगा उसको राइट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बढ़ा, तो यहाँ पे 3 सब उसके बाद बढ़ाया और 5, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इससे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कोई नंबर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 3 × 5 करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, इससे ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और अगर 5 से बनाते हैं तो भी बड़ा बनेगा। अब अगर आप लॉन्गेस्ट नंबर की बात करें या हाइएस्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर में बनाएंगे तो हम इस 5 को सबसे पहले राइट करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा सबसे पहले राइट करेंगे, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे यही है, हाई स्मॉलेस्ट और फॉर्मेशन नंबर, यही फॉर्मेशन कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर का। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तब 0 क्या होगा, अब इस 4 डिजिट हो गया आपने, और अगर 4 डिजिट से आपको बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे कि हम सबसे पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे, किसको लेंगे, 2 को लेंगे। अब क्यों लेंगे, अब आप पूछिए क्यों लेंगे, क्योंकि आपने तो कहा था सर सबसे पहले 0 को लेंगे, सबसे छोटी नंबर को लेते हैं, यहाँ तो 0 सबसे छोटा है, ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, लेकिन हमारा नंबर तो वो काउंट नहीं होगा और कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे
हमने ये बनाया 0, 3, 5 और ये हमने बना दिया 2, 3, 5। बट इस 0 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये 3 डिजिट का ही नंबर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी भी नंबर्स के राइट साइड में उसकी वैल्यू रहती है, अगर 0 लिख दिया जाता है तो उसकी कोई पोजिशन माना नहीं जाता, अगर यहाँ पे 0 रहता है तो उस पोजिशन को उसकी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 0 के पहले अगर कोई नंबर है तो ठीक है, अगर 0 के राइट साइड लेफ्ट साइड में कोई नंबर्स है, राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो 0 काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड में कोई नंबर्स नहीं है तो ये 0 काउंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाया गया, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट नंबर तो सिंपल है कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ये रहेगा आपके लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद 2 रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, बहुत ही सिंपल। बस केवल ये 0 वाला सिस्टम आपको समझना है, स्मॉलेस्ट नंबर में ध्यान देना है, बस केवल स्मॉलेस्ट नंबर ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज राइट शॉर्टेस्ट नंबर आफ्टर देन 0। इफ यू राइट फर्स्ट 0 देन दैट नॉट काउंटिंग नंबर सिस्टम, ओके। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना, बस केवल ध्यान में इतना ही चीज रखना है, ठीक है। It's the same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told that-